भाभो भाभो आप आराम कीजिए ना, भाभी अब भी आती होंगी, वो संभाल लेगी सब कुछ। बीननी सा पधारे तो सही। लो नाम लिया नहीं कि आ गई भाभी। भाभो चल जल्दी से भीतर आकर चौका संभाल ले। देख इस बर्तन में दूध है और खीर के लिए इस थाली में मैंने चावल निकाल दिए हैं। अब तू जल्दी से वड़े की दाल पीस ले। अरे ये मारे कंधे को पता नहीं किए हो गया है, ऐसा अकड़ गया जैसे रात को नींद में किसी ने हाथ पकड़ के बहुत काम करवा लिया मुझसे। सूरज बेटा आज जरा देखना। हाँ सूरज, हाँ आइए। वो वही 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 बीननीसा, भीतर भी आओगी या बाहर से ही हाथ लंबे करके काम करने की कला जानो हो? रसोई की चौखट लांगो और चौखा संभालो। रे मीना, पानी बहुत ठंडा है। पापा सर ठीक हो जाएगा, मैं देखता हूँ ना। भाभो वो मैं अंदर नहीं। मेरा मतलब कि बीननी सा, अब ऊपर से आकाशवाणी तो ना होगी थारे वास्ते जो मुंह बंद किए बैठी है। बोल के बात है। भाभो वो मैं रसोई के अंदर नहीं आ सकती। वो मुझे छूना नहीं है। ये क्या कर दिया बीननी तूने? इतना भी के प्यार जेठानी और देवरानी में? आज थारी देवरानी सुबह सुबह इस हाल में होकर बैठ गई और अब तू हो गई है। होड़ लगी थी क्या तुम दोनों में? दोनों को आज ही महीने में होना था। आज के दिन तो टाल देती या पहले ही इशारा कर देती तो मैं ब्राह्मणों का भोज आगे पीछे कर देती। आज के दिन दोनों महीना में होकर बैठ गई। अच्छी करी मारे साथ, करम फूट गया हमारा। एक लंगड़ो एक काणी मैं एकली स्यानी, किस किसने संभालू?
कुल्हाड़ी के हैं। खुशखबरी सुना दी ना, जाओ जाकर नहाकर कपड़ा बदल लियो। और हां बीनी, हमारे घर का कुछ नियम है, जब औरतें महीने में होवे है तो बिना नहाए घर के किसी चीज को हाथ ना लगावे है। तने जो कुछ चाहे छवि से मांग लिए, वो थारी अलमारी में से कपड़े निकाल कर दे देगी। मैं भेजू उसने। छवि, रे छोरी, थारी भाभी के कपड़े निकाल दे, उन्हें हाथ ना लगाना है। पता नहीं क्या खाना बनेगा। आप कहें तो क्या मैं आपके कपड़े अलमारी से निकाल सकता हूं? सूरज में सांझ पिया जी, मारे सपनों की तू परवाज पिया जी, हारो मारो मिलने सो लागे रे साथी जैसो दिया। वो भी निकाल दीजिए।